नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आज आम आदमी पार्टी ने 15 साल की सत्ता को बीजेपी को हरा दिया है और पहली बार बहुमत की सरकार बनाई है एमसीडी में। आज हम वैसे तो 250 लोगों की किस्मत चमकी है और वो पार्षद बने हैं, मगर आज हमारे साथ दिल्ली एमसीडी से सबसे युवा पार्षद हैं, 24 साल की हैं। क्या कुछ सपने लेकर राजनीति में हो और क्या कुछ इनके मन में है वो सब जानेंगे, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू। किस वार्ड से पार्षद बनी आप? मैं वार्ड नंबर 223 रताश नगर वार्ड से पार्षद बनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवानी पांचाल। आप सबसे युवा पार्षद हैं, 250 पार्षदों में आप सबसे युवा हैं, और युवा जब राजनीति में आता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि कई अलग तरीके के परिवर्तन उसको उसके थ्रू देखने के लिए मिलेंगे, तो आप क्या कुछ नया एज अ युवा करेंगे? मैं एज अ युवा सबसे पहले जो मेरे वार्ड में करूंगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने ईमानदारी लाई है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली नगर निगम में भी मैं रोहतास नगर वार्ड में भ्रष्टाचारियता मिटाकर जो हमारे क्षेत्र में लेंटर माफिया है उसको रिमूव करूंगी सबसे पहले। तो आप कब से हैं आम आदमी पार्टी? जी, मैं एज अ वॉलंटियर 3 to 4 years से। 3 से 4 साल हो गए, मतलब आप 20 साल से सक्रिय हैं। जी। तो अभी आगे का सफर कहाँ तक देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अभी जो मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमारे रोहतास नगर वार्ड की, उसमें उस क्षेत्र में केजरीवाल जी की सिपाही बनकर अच्छे तरीके से संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र में, एजुकेशन के फैक्टर में, हेल्थ के फैक्टर में, क्लीनलीनेस के फैक्टर में, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश करूंगी और जनता के साथ एक पारिवारिक तौर पर रहने की कोशिश करूंगी। एमसीडी में भी केजरीवाल, विधानसभा में भी केजरीवाल, 2024 में लोकसभा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी 2024 में भी केजरीवाल हों, ऐसा कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, वो तो निश्चित है। तो आप सोच रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा 2024? जी बिल्कुल होगा। राहुल गांधी? जी, केजरीवाल जी आएंगे। राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल जी ही आएंगे। गठबंधन होगा? केजरीवाल जी ही आएंगे, सिर्फ केजरीवाल आएंगे जी। और अच्छा, ये एक दिलचस्प है कि जिस तरीके से 230 का आंकड़ा छूने की बात थी आम आदमी पार्टी का, और कहीं ना कहीं बहुमत तो हासिल कर ही लिया है, आपको लगता है कि गुजरात चुनाव की वजह से यहाँ पे थोड़ा कम प्रचार हुआ? नहीं, यहाँ पे प्रचार बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और आपने देखा ही होगा कि 15 साल का जो भाजपा का कुशासन था वो दिल्ली की जनता ने तोड़ दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस बार जितनी भी हमारी सीट्स आई हैं वो पूरी जनता के प्यार से, और जनता ने परिवर्तन करके दिखाया है, और आने वाले सालों में हम सारे पार्षद मिलके, हम सब केजरीवाल जी के सिपाही हैं, उनके नक्शे कदमों पर चलकर हम आगे बहुत इतना अच्छा काम करेंगे कि उनको आगे बहुत बचाएंगे। अच्छा, पढ़ाई में क्या क्या किया है ये और बता दीजिए। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, BEd मैथ्स फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी, एंड राइट नाउ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी MSc मैथ्स। कल गुजरात के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी, और मुझे पता है कि जिस तरीके से दिल्ली में परिवर्तन हुआ है गुजरात में भी डेफिनेटली परिवर्तन होगा। एक आखिरी सवाल, आपको देख के आपको लगता है कि क्या दिल्ली के और युवा आकर्षित होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ? बिल्कुल, दिल्ली को, दिल्ली के जो युवा हैं, हर घर का बेटा, हर घर की बेटी, मुझे देखकर बिल्कुल आकर्षित होंगे कि अगर एक कर सकता है तो, और करना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इस टाइम पे जो इंडिया में है वो यूथ बहुत ज़्यादा है, सो अगर हम लोग आगे आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो इट विल इंस्पायर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली की 250 पार्षदों में बनी सबसे युवा पार्षद, जो आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं, मात्र 24 साल इनकी उम्र है, 20 साल से ही ये कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय थी आम आदमी पार्टी के साथ। महज 3 से 4 साल के करियर में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी तक निकाल देते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी ऑफिस दिल्ली।